नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। देश भर की 57 लोकसभा सीटों पर 8 राज्यों में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही जो मतदान की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है। झारखंड में 3 लोकसभा सीटों पर आखिरी चरण में मतदान हो रहा है। गोड्डा, राजमहल और दुमका, इन 3 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि झारखंड की 3 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो तीनों लोकसभा सीट पर खूब मेहनत की गई है चुनावी प्रचार प्रसार में। चाहे एनडीए की बात करें या इंडिया अलायंस की बात करें, दोनों ओर से खूब ताकत झोंकी गई है। अब देखना ये होगा कि आज जब मतदान शुरू हुआ है, मतदान की प्रक्रिया जब 7 बजे से शुरू हो गई है, तो कितने वोटर्स निकलते हैं, कितना उत्साह दिखता है। और जो वोटिंग परसेंटेज की लगातार बात हो रही है झारखंड में, बिहार की तुलना में झारखंड में लगातार वोटिंग परसेंटेज में हम देख रहे हैं कि ग्राफ जो है वो ऊपर आ रहा है। तो आज तीसरे चरण में भी ये देखना होगा झारखंड के लिए, जो ये ओवरऑल जो ये आखिरी चरण है लोकसभा चुनाव का, इसमें कितने वोटर्स बाहर आते हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, इन तमाम चीज़ों पर नज़र बनी रहेगी। हमारे साथ देवघर से संवाददाता बबलू जुड़े हुए हैं। बबलू, लोकतंत्र का महापर्व, लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण और देवघर में भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आप जहां पर मौजूद हैं वो कौन सी जगह है और कैसा कुछ माहौल दिख रहा है सुबह में? यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन भी है, चौकसी बरती हुई है। देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से कि यहाँ जो है पुलिस प्रशासन भी लगे हुए हैं मतदान के लिए। देखिए आज मौसम जो है भीषण गर्मी के बाद मौसम काफी अच्छा है और इस मौसम को देखते हुए लगता है कि इस बार जो है मतदान की जो प्रतिशत है वह काफी बढ़ेगी। देख सकते हैं कि अब जो है अभी जो मतदान करने के लिए जो है यहाँ पर लोग दिव्यांग होने के बाद भी ये सेल्फी ये आए हुए है व्हील चेयर में, तो देख सकते हैं कि काफी उत्साह है और काफी कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। बबलू, बात करने की कोशिश कीजिए मतदाताओं से। मतदान करने की प्रतिक्रिया को देख सकते हैं कि लाइन जो है काफी लंबी है और लाइन में लग के लोग मतदान के लिए लगे हुए हैं। तो मैं बता दूं कि आज जो है गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के देवघर में जो है मतदान में काफी उत्साह देखा जा रहा है, लाइन में लगे हुए हैं। क्या भाई साहब, आज पहले मतदान फिर जलपान, क्या आपने मतदान जलपान किया या पहले मतदान करेंगे? देख रहे हैं कि इसमें कितनी उत्साह है और बोल रहे हैं कि पहले मतदान करेंगे उसके बाद जलपान करेंगे। तो ये सबको लेके काफी इसमें भीड़ लगी हुई है। देख सकते हैं कि चाहे वो मैं पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी लाइन में लग के अपने मतदान का भाई का इंतजार कर रही है। क्या लग रहा है मैडम, पहले जलपान या पहले मतदान? पहले मतदान। देख सकते हैं कि ये भी कह रही है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो यही सबको लेके दिखा रहे हैं कि यहाँ जो है काफी कुछ लगा हुआ है। देखिए मेरे साथ है जो वोटिंग करके आ चुके हैं, तो बताया जाए कि आपने लोकतंत्र के इस महापर्व में आपने कब अपना योगदान किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, देश के विकास के लिए वोट दिए हैं। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे इस बार? इस बार चाहेंगे कि और देवघर का विकास हो। चलिए, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि देवघर का विकास के साथ इन्होंने अपना मतदान, आप अपना उंगली दिखा दीजिए सर, ये देख सकते हैं कि भाई साहब ये जो है मतदान करके बाहर आ चुके हैं। तो इन्हीं के साथ आप जो है देख रहे हैं कि लोग जो है काफी उत्साह के साथ सेल्फी ले रहे हैं, मतदान के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं कि मैडम कैसा लगा आपको इस बार मतदान जो किए, मतदान जो किए, पहले जलपान किए या पहले मतदान किए? पहले मतदान किए। क्यों मुझे मतदान किया आप? देश के लिए क्या, देश के लिए क्या बोलिएगा? अच्छा देख सकते हैं, उनका कहना है कि जो प्रत्याशी है गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के वो अच्छे प्रत्याशी हो और अच्छे से निकले और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का जो है वो काफी प्रोग्रेस है। देख सकते हैं कि यहाँ जो है पुलिस कर्मी जो है, चाहे महिला पुलिस हो चाहे
वो काफी मुश्तैदी के साथ लगे हुए हैं ताकि यहाँ कोई किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो। तो आप देख रहे हैं, मैं देवघर से बबलू से देख रहे हैं न्यूज आइसकोप। बिल्कुल बबलू, देखिए आपने तमाम तरह की जानकारियां दी, वोटर से बात करने की कोशिश कीजिए बबलू की, किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करने पहुंचे हैं और उनका जो उत्साह है वो उत्साह कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में सबको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। न्यूज बाइस्कोप लगातार अपील कर रहा है दर्शकों से कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपने घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आप वोटर से ये जानने की कोशिश कीजिए कि उनके क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। देख रहे हैं क्या जो मतदाता है वो बोल रहे हैं कि हम अब अगर अपने मत का प्रयोग करेंगे तो देश में अच्छा माहौल बनेगा, अच्छा प्रधानमंत्री बनेगा। तो मैं लाइन में लग के बात कर रहा हूँ। सर आपने आज पहले मतदान किए या पहले जलपान करेंगे? पहले मतदान। देख रहे हैं क्या सभी भाई बोल रहे हैं कि पहले मतदान के बाद में जलपान। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? पहले मतदान। पहले मतदान क्या सोच के आई है मतदान के लिए, देश में क्या सोचती है आप? मेरा अधिकार है, बबलू मुद्दे क्या है लोगों के इस बार? बोल रही है कि जो मेरा अधिकार है मैं उसका प्रयोग करना चाह रहा हूँ। सर आप क्या सोच के आए हैं मतदान करने के लिए? मेरा सबसे पहला अधिकार। तो देख रहे हैं कि जितने भी वोटर हैं, जितने भी लोग हैं वो मतदान के लिए आए हुए हैं, काफी उत्साह देखा जा रहा है। मैडम आप पहली बार वोट दे रहे हैं? नहीं पहले दे चुके हैं, तो देख सकते क्या सोच रही है मैडम आप जो अपना मतदान प्रयोग करेंगे, क्या सोच के करेंगे ताकि आगे की सरकार हमारे लिए काम करे, हमारे आशाओं पे खड़े हो। देख सकते हैं कि सभी लोग जो है काफी उत्साह के साथ जो है मतदान में लगे हुए हैं। बिल्कुल लोगों में उत्साह है बबलू, और देखिए आपने वो तमाम तस्वीरें दिखाई हैं मतदान केंद्र पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं निर्वाचन आयोग की ओर से। लोकतंत्र के इस महापर्व को लोग बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें इसकी व्यवस्था है। जो भी लोग मतदान करके बाहर निकल रहे हैं वहां पर सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है, यानी कि इस बार जो अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं उसका असर आज मतदान के दिन भी देखने को मिल रहा है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं सेल्फी पॉइंट जो बना हुआ है मतदान केंद्र के बाहर वहां पर अपनी तस्वीर ले रहे हैं और वो तस्वीर वो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करेंगे। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में एक वोट की कितनी ताकत है, एक मत की कितनी ताकत है, ये भी लोग समझते हैं और फिर इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट करते हैं। देखिए बबलू देवघर की बात करें तो देवघर में क्या आपको ये जानकारी है कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं और संवेदनशील बूथों पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, अगर वहां पर संवेदनशील बूथों की मौजूदगी है तो? संवेदनशील बूथों पर पुलिस प्रशासन जो है काफी अपनी चौकसी बढ़ाई हुई है, नजर लगी हुई है ताकि वहां पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। तो देख सकते हैं मैडम एक मिनट, आप नहीं पहला बार आप नए लखनऊ में जुड़े हुए, देख सकते हैं कि मेरे साथ जो है अभी इस बार पहली बार वोट लेंगे, कैसा लग रहा है आपको वोट? काफी अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं कि जो यंग है, जो यूथ है वो भी काफी खुश नजर आ रही है और इनके साथ ही देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सेल्फी कराने में लोग जुटे हुए हैं। इलेक्ट वोट देखे आई है और ये देखिए ये सेल्फी करा रही है। खूबसूरत तस्वीर है बबलू ये लोकतंत्र की, लोकतंत्र के महापर्व की ये खूबसूरत तस्वीर है कि लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और उसके बाद फिर उंगली दिखाते हुए जो तस्वीर लेने का ट्रेंड है उसको भी लगातार लोग फॉलो कर रहे हैं। और बबलू ये भी देखा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग लगातार वोटरों से अपील कर रहा है कि आप पहले मतदान करें फिर जलपान करें, उसका असर भी दिख रहा है देवघर में। काफी कुछ देखने को मिल रहा है, लोग जो है सुबह से ही यहाँ पर लाइन में लग के मतदान कर रहे हैं। इनका कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल पहले मतदान फिर जलपान। बबलू ये बताइए कि लगातार वहां पर देवघर में चुनावी कैंपेनिंग देखने को मिला दोनों ही ओर से, इस बार कौन से वो मुद्दे आपको दिख रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं? आपने कई लोगों से बात किया, लोगों की जो मिली जुली राय है वो क्या है, किन विकास के मुद्दे हैं या कुछ और भी मुद्दे हैं लोगों के पास?
नहीं, अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में कहना है ग्रामीणों का कि अभी तक विकास नहीं हुआ है, ना सड़कें हैं, ना तालाब है, ना कोई चीज का व्यवस्था सही व्यवस्था है, तो लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो सबसे ज्यादा वहाँ का जो ग्रामीण का जो प्रॉब्लम है, सड़क है, तालाब है, कुआं है, इन सबको लेके मतदान करेंगे। बिल्कुल, कई तरह की चीजें हैं, कई तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग वोटिंग के लिए पहुंचे हैं, मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं। लोगों ने यह भी बताया कि देश के विकास में योगदान देने के लिए, लोकतंत्र की मजबूती में योगदान देने के लिए लोग घर से निकलकर वोटिंग की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग ले रहे हैं। बबलू, देखिए अगर हम देवघर की बात करें तो देवघर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और आज सुबह हमने तस्वीरें भी देखी है, निशिकांत दुबे ने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। जी मैं बता दूं कि कल जो है यहाँ के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो महा मंदिर में पूजा अर्चना भी किए हैं और इनके साथ ही वो भी काफी ही उत्साहित है। इस बार जो चुनाव हो रहा है बहुत काफी ही कसम देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से जो है दो प्रत्याशी, चाहे वो भाजपा के हो चाहे वो इंडिया गठबंधन के हो, काफी अपनी जोर लगाए हुए हैं। साथ ही एक प्रत्याशी आ जाने, जो निर्दलीय प्रत्याशी है अभिषेक आनंद के आ जाने से इसमें काफी ये जो चुनाव है काफी रोमांचित हो गया है। बिल्कुल, काफी दिलचस्प स्थिति है गोड्डा लोकसभा सीट की भी। इसके अलावा झारखंड में दो और सीटों पर मतदान हो रहा है। बबलू, आप नजर बनाए रखिएगा तमाम बूथों पर, हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। वोटर्स की क्या राय है, कितना उत्साह है, इन तमाम चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप तमाम बूथों पर नजर बनाए रखिए, जैसे ही आप दूसरे बूथ का रुख करेंगे हम फिर से आपके पास चलेंगे। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची, वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।